नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल सर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआई। सीआई मीन्स क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? मैं पिछली वीडियो में बात किया था एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में बात कर चुका हूँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीआई की, जिसको बता चुका हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज पर ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा हूँ पीएम, यहाँ पर रेट, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर सीआई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर टोटल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चक्रवृद्धि की। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चलिए आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं 500 रुपया जैसे किसी को दे रहा हूँ 8% की दर पर। तो यहाँ 8% की दर पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8% की दर पर मैं किसी को 500 रुपया दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइम कितना, 1 महीने का। 1 महीने का कितना होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपये 8% की दर पर हम आदित्य को कितना दे रहे हैं, 1 महीने के लिए। जैसे आदित्य को हम दिए 500 रुपये 8% की दर से और 1 महीने का, तो सीआई कितना वो देंगे, आदित्य हमको सीआई कितना देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इसके बाद हमको 500 रुपये को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कोष्टक ओपन कर लेंगे, इक्वल कोष्टक ओपन। सबसे पहले 500 रुपये को मतलब पीएम को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको गुणा करना है इनटू, फिर कोष्टक ओपन करेंगे। इसका रूल क्या होता है, 1+, यहाँ पर क्या करेंगे आप देख सकते हैं, रेट जो आपका यहाँ पर 8% है उसको सेलेक्ट करने के बाद, अगर 1 साल का मंथली आपको देखना तो भागे 12 कर देंगे, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर पावर मतलब चक्रवृद्धि क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगना, तो इसको ऑन करने के लिए शिफ्ट, यहाँ पर आप पावर ऑन करना है तो शिफ्ट 6 बटन को आप प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप टाइम को सेलेक्ट करेंगे, माइनस, फिर आपको क्या करना होगा पीएम। इसके बाद आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो आप देखेंगे 1 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कोष्टक बंद नहीं किया था इसीलिए दिया था। तो आदित्य को हमने 500 रुपये दिए थे 8% के हिसाब से, तो 1 महीना का यहाँ पर सीआई कितना निकला, 3 रुपये 33 पैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये टोटल जोड़ना है तो इक्वल हम करेंगे। इक्वल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 500+ यहाँ पर 33 कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना निकला, 1 महीने का 500 3 रुपया 33 पैसे। अगर हम चाहते हैं कि हम 10 महीने का देखें, तो यहाँ पर लिख देंगे 10, तो 10 महीने का देखिए इतना है। अगर हम चाहते हैं 12 महीने का, तो यहाँ पर 12 महीने का मतलब 1 साल का देखेंगे। तो आदित्य हमसे 500 रुपये लिए थे, या मैं दिया था 500 रुपये आदित्य को 8% की दर पर, तो 1 साल या 12 महीने का कितना होगा, 41 रुपये 50 पैसे। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर मिश्रधन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 541 रुपये 50 पैसे। ये आपका हो गया सी आई। सी आई कैसे निकालते हैं, तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर यहाँ पर देखिए मैं बनाया हूँ, तो यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा कि सी आई का मतलब था कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इसका मतलब क्या था, ब्याज पर ब्याज लगना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 12 मैं लिखा हूँ 1 साल का। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है मूल राशि, मूलधन। जैसे कि मैं बात किया हूँ 500 रुपये मैं किसको दिया, आदित्य को 8% के दर पर, 8% के दर पर मैं यहाँ पर दिया हूँ आदित्य को। टाइमिंग क्या था, 1 मंथ। तो यहाँ पर देखना है कि ब्याज कितना हो रहा है, तो यहाँ पर ब्याज हम देखने के लिए क्या करते हैं, इक्वल, तो हमने आपको जैसे बताया था सिंपल इंटरेस्ट का उसे कर लेंगे, इक्वल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंटू मतलब मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको हम जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसको हम लॉक कर देंगे इस सेल को, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर इस सेल को लॉक करेंगे, तो लॉक कैसे होता है, F4 कर देंगे, तो यहाँ देखिए लॉक हो गया सेल। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर हम 1 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ड्रैग करके आपको बताएंगे। तो इंटू करेंगे, यहाँ पर 1/12 कर देंगे, 1/12 डिवाइड बोलते हैं भागे को। इंटर जब आप यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 1 महीने का कितना है, जो यहाँ पर मैं बताया था आपको, यहाँ पर देखिए 1 महीने का कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 12 लिखा हो, तो वहाँ 1 मंथ लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 महीने का कितना आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 रुपये 33 पैसे, और यहाँ पर भी आ रहा है। तो लेकिन हम देखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल मतलब मिश्र धन,
ये अभी ब्याज निकला है 500 रुपये के हिसाब से 8% के दर पर, 1 महीने का ब्याज कितना है 3 रुपये 33 पैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, यहाँ पर ऐड करते हैं 500 प्लस 33, 3 रुपये 33 पैसे यहाँ पर आ गया। अब ये क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन पर जो क्या लगता है ब्याज, उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम क्या करते हैं, 500 3 रुपया 33 पैसों को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ गया। अब ये क्यों कर रहा है, बार बार आपको ये करना नहीं होगा, तो यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन 500 के यहाँ से नहीं ड्रैग करेंगे, यहाँ से। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज पर लगता है यहाँ पर, मतलब मिश्र धन, मिश्र धन पे जो लगता है ब्याज, उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम लिख के ड्रैग कर दिए। अब इसको ड्रैग नहीं करना है क्योंकि हम इसको लॉक लगा दिए हैं, और इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि हम डायरेक्ट लिख दिए थे, ये समझाने के लिए आपको बनाया कॉलम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो कह रहा है कि 500 रुपये पर ये 1 महीने कितना रहेगा, 3 रुपये 33 पैसे। जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम 1 महीने का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक किए। अभी देखिए यहाँ पर दूसरे महीने का, यहाँ पर लिखा है पहले महीने का 3 रुपये 33 पैसे और दूसरे महीने कितना, 3 रुपये 36 पैसे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लेंगे टोटल कितना हो गया, 506 रुपये 69 पैसे जोड़ने के बाद। अब इसको क्या करेंगे, इसको पूरा जब ड्रैग करेंगे तो 1 साल का यहाँ पर आपको बैलेंस देखने को मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ये देखिए एक एक महीने के यहाँ पर दिया है। अब इसको जब टोटल जोड़ेंगे, टोटल कैसे जोड़ा जाता है, तो आप लोग को हम पहले वीडियो में बता दिए थे, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अल्ट इक्वल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अल्ट इक्वल होता है ऑटो सम, में टोटल सेलेक्ट करने के लिए होता है, इंटर करेंगे। देखिए तो 1 साल का कितना आ रहा है अमाउंट, 41 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 41 रुपये 1 साल का, अगर हम यहाँ पर करेंगे 12 12, यहाँ पर 41 रुपये 50 पैसे यहाँ पर भी दिखा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, अमाउंट है मिश्र धन टोटल, तो यहाँ पर कितना रहा 541। अगर इसमें माइनस करेंगे, इक्वल करेंगे CI कितना है, तो इसको हम करेंगे मतलब CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे 541.50 पैसा माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे 500 रुपये माइनस कर देंगे। तो अगर हमको देखना है कि हमारा CI कितना निकला कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1 साल का कितना निकला है, तो यहाँ पर 1 महीने कितना, 2 महीने कितना, 3 महीने कितना, 4 महीने कितना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 महीने के कितना है, तो 3 रुपये 33 पैसे, और यहाँ पर 12 महीने का कितना है, मतलब 1 साल का 41 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है, मतलब CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आप देख सकते हैं 500 रुपये यहाँ पर 8% रेट के हिसाब से 1 महीने का इतना है, तो इसको जोड़ने के बाद 503 रुपये 33 पैसे हुआ। इस पे जो ब्याज लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे जो ब्याज लगा, तो यहाँ पर देखिए इस पे भी बढ़ गया। तो ब्याज पर ब्याज लगना ही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को फार्मूला बता चुका हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल और आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं 5,000 रुपये मंगेश को दिया हूँ, कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से मैं मंगेश को कितना दिया हूँ, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए दिया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका कंपाउंड कैसे निकाला जाएगा। 5,000 रुपये 5% के हिसाब दर से हम 2 साल के लिए कितना हमारा CI होगा, तो हम पता कैसे लगाएंगे, इक्वल करेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले 5,000 को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर इंटू मतलब मल्टीपल करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, कोष्टक ओपन 1 प्लस 1 क्यों करेंगे, आपका फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। 1 प्लस इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 5% को। इसके बाद हमें क्या करना है, कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पर फिर पावर लेंगे शिफ्ट को दबाकर 6 बटन को। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर 2 साल है, तो यहाँ पर 2 साल को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम अगर चक्रवृद्धि सिर्फ देखना चाहते हैं, तो माइनस PM कर देंगे, प्राइम मनी, कोष्टक बंद करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मतलब 2 साल का हमारा CI कितना हो रहा है, तो इंटर करके आप यहाँ पर देखेंगे 512 रुपये 50 पैसे। अगर आप चाहते हैं इसका टोटल कितना हो रहा है, तो इक्वल करिए 512
₹50 प्लस आप 5,000 को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो कितना हो गया, ₹5,512.50। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जो आप चाहेंगे, तो आप लोग कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।